सामान्य दर्शकों, अभिवादन। मैं आचार्य श्री भागीरथ पांडे नवग्रह स्तोत्र का क्रमशः नवो ग्रहों का हिंदी अनुवाद करता हूं। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम फूल सी लाल कांति वाले कश्यप के आत्मज अंधकार के शत्रु तथा समस्त पापों के नाशक सूर्य भगवान को मेरा नमस्कार। दधि शंख तुषाराभम शीरोतार्णव शंभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर मुकुट भूषणम। दही शंख एवं तुषार जैसी श्वेत दीप्त वाले समुद्र से उत्पन्न शिव जी के मुकुट के आभूषण चंद्र देव को प्रणाम है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। पृथ्वी से उत्पन्न बिजली की सी प्रभाव वाले शक्तिधारी कुमार मंगल देव को मेरा प्रणाम है। प्रियांगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगु केसर की कली श्याम वर्ण सौम्य आकृति और अनेक सौम्य गुणों से परिपूर्ण बुद्ध देव को मेरा नमस्कार है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवताओं और ऋषियों के गुरु कंचन जैसी प्रभा बुद्धि के भंडार तीनों लोकों के स्वामी बृहस्पति देव को मेरा प्रणाम है। हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्व शास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। बर्फ कुंद मृणाल की आभा वाले दैत्यों के गुरु सर्व शास्त्रों के ज्ञाता शुक्र देव को नमस्कार है। नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रं जमाग्रजं छाया मारतंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। काले अंजन की दीप्ति सूर्य पुत्र तथा यमराज के बड़े भाई जिनकी उत्पत्ति सूर्य की छाया से हुई है उन शनि महाराज को मेरा नमस्कार है। अर्धकायम महावीरजम चंद्रादित्य विवर्दनम सिंह का गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केवल आधी देह रहने पर भी महान साहसी चंद्र सूर्य को त्रस्त कर देने वाले सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न राहु देवता को मेरा प्रणाम है।
पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकं घोरं तंकेतुं प्रणमाम्यहम्। पलाश के फूल की तरह लाल दीप्ति समस्त तारकाओं में श्रेष्ठ रौद्र रूपधारी और रौदात्मक घोर केतु को प्रणाम है। इति व्यास मुखोद्गीतं यः पठेत सुसमाहितः दिवावा यदि वा रात्रौ विघ्न शान्तिर्भविष्यति। वेदव्यास जी के मुख से गाए हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा से पाठ करता है उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती। नर नारी नृपाणांच भवे दुः स्वप्न प्रणाशनम ऐश्वर्य मतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। इति श्री महर्षि वेदव्यास विरचितं नवग्रह स्तोत्रं संपूर्णम्। जनसाधारण और समानतों के बुरे सपने भी मिट जाते हैं। ऐश्वर्य धन धान्य आरोग्य की वृद्धि होती है।